क्लास नाइन्थ साइंस क्वेश्चन पेपर देखिए। पहला क्वेश्चन है, द्रव में निम्नलिखित में से किसका विसरण संभव है? किसका विसरण संभव है? तो इसमें जो है तीनों का विसरण संभव है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़न, तो गैसों की संपीड़न जो है आपका काफ़ी अधिक होती है। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो सीएनजी गैस का होता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद चार नंबर क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है, गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है आपका अत्यंत तीव्र, आंसर हो जाएगा सी नंबर। सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक जो है विलेय है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है छः नंबर, मिट्टी तेल और जल के मिश्रण की अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, हम क्या उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे उपयोग करेंगे पृथककारी टिप का, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोलाइड के कणों का पृथक किए जा सकते हैं, तो पृथक किया जा सकता है अपकेंद्रीय विधि से, आंसर हो जाएगा ए नंबर। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हुए मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? यहाँ पर उपयोग किया जाए प्रभावी आसवन विधि, आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक तत्व के सभी परमाणु होते हैं समान भार वाले, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। HNO3 में NO2 को क्या कहा जाता है? NO2 को जो है नाइट्रेट कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या क्या होगा? मोल की संख्या क्या होगा? तो मोल की संख्या हो जाएगा 13। क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की संयोजकता क्या होगी? तो एक हो जाएगा आंसर, क्योंकि 8 से कम, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7, तो 8 में से 7 गया तो एक आ जाएगा। अब क्वेश्चन है मशरूम है, क्या क्वेश्चन है हमारा? तो क्वेश्चन है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है? कवक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है आपका, आंसर हो जाएगा मॉस, आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद है इनमें कौन संवहनी पौधे हैं, तो फर्न है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीन है? बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय में आपका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। पैंतीस नंबर, यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग यू टी समय के बाद इसका वेग है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u बाई टी। बर का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, बर का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समय अंतराल समय समान रूप से करता है, तो बढ़ता है, तब वस्तु का त्वरण कैसा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एक समान त्वरण, आंसर डी नंबर। किसी कार की चाल असमान है तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण हो जाएगा आपका असमान त्वरण। अब क्वेश्चन है संवेग क्या है? संवेग क्या है यहाँ पर? तो संवेग एक आपका सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बल का जो है न्यूटन। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? संवेग का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर दो पिंड वायु में स्थित है तथा उनके बीच की दूरी डी है, तो और एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर आपको फॉर्मूला बताना है, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे एफ गुणे 1/d। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सूत्र एफ बराबर g m1 m2 / d² होता है r² तो g क्या है?
जी यहाँ पर जो है आपका क्या है ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी जो है हमारा एक सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है जी का मान क्या हो सकता है, जी का मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो जी के मान होता है 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स 2, आंसर हो जाएगा ये नंबर। अब आपको हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बताते हैं। चाल से आप क्या समझ, चाल कैसा ही मात्रक। देखिए एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, यह हमेशा धनात्मक होती है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कैसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। द्रव्यमान यह अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। उसके बाद क्वेश्चन है मिश्रण यौगिक में अंतर, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है और यौगिक जो है नए पदार्थ के गुण धर्मों को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। एक बीजी पत्र और द्विबीजी पत्र, एक बीजों में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है, इन बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इनके इसके पौधों की पत्तियों में समांतर दिशा सिरा जो है विन्यांश पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यांश होता है। द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। तना गठदार होता है और तने पर गांठें नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन है एनिलीडा और ऑर्थोपोडा में अंतर, ये लंबे सखंड देह वाले प्राणी है, ये लंबे देह वाले प्राणी नहीं है, कुछ अग्रखंड केंद्रित होकर सिर बनाते हैं। देह सखंड सौर और सारे खंड दो भागों में जो है बटा हुआ है। इसके पैर सखंड नहीं होते हैं, इनके पैर सखंड होते हैं। असली देह गुहा वाला प्रथम प्राणी है, देह गुहा कम है और रक्त से भी भारी है। इसमें बाहरी कंकाल नहीं होता है, इसके बाह्य में काइटिनी होता है। पौधे और जंतु में अंतर, पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और गति नहीं करते हैं। जंतु जो है भोजन ग्रहण करने के साथ जो है ढूंढने एवं आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। पौधों में कम ऊर्जा आवश्यक होती है क्योंकि ये स्थिर होते हैं। जंतु में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ये घूमते रहते हैं। पौधों के अधिकतर ऊतक मृत होते हैं परंतु वे पौधों को रचनात्मक दृढ़ता एवं प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। जंतुओं में साधारणतः सभी ऊतक सजीव होते हैं।